में तिरंगे के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक सभी ने अपने अपने घरों में पूर्ण सम्मान के साथ तिरंगा फहराया है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के पवई में एसडीओपी सौरभ रत्नाकर और थाना प्रभारी डीके सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए और झंडा संहिता के भाग 3 की धारा 9 में उल्लेखित है कि गणमान्यों के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर न फहराया जाए। इसलिए आप सभी तिरंगा झंडा को सम्मान सहित अपने पास सुरक्षित रख लें। वर्तमान में खराब मौसम और बारिश के कारण कई जगह घरों पर लगे तिरंगा क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने घरों पर जो राष्ट्रीय ध्वज लगाया है, कृपया ध्वज संहिता के निर्देशों का पालन करें, कहीं भी फटा हुआ क्षतिग्रस्त मैला तिरंगा ना फहराएं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आप सभी ने अपने अपने घरों पर पूर्ण सम्मान के साथ तिरंगा फहराया। विगत दिनों में पन्ना जिले में लगातार बारिश होने एवं तेज हवाओं से कहीं कहीं पर ध्वज क्षतिग्रस्त या खराब स्थिति में देखे गए हैं।